ऊपर चल और चल उधर। ओके देख सकते हो हम अंदर आ चुके हैं। बस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस आपको याद होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हमने ना विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना के बहुत सारे एमराल्ड और गोल्डन कैरेट कलेक्ट किए थे। अभी तक मेरे पास 3 स्ट्राइक से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और एक्चुअली आज क्या कि हमारे पास 2 ट्राइडेंट है ना, तो एक में मैं रेप्टाइट लगाऊंगा जिससे हम बिना इलेट्रा के आसमान में उड़ सकते हैं बारिश के, और पानी के अंदर टेलीपोर्ट हो सकते हैं एक तरीके का। अगर आपको पता नहीं रेप्टाइट क्या है तो वो ट्राइडेंट में लगता है कि इंचेंटमेंट है जिससे कि आप है ना ट्रैवल कर सकते हो पानी के अंदर, या फिर बारिश में आप एक जगह से दूसरे जगह एंडरमैन की तरह टेलीपोर्ट हो सकते हो, ऐसा कह सकते हो, बट उड़ के जाते हैं एक्चुअली, ऐसा होता है। तो मुझे रेप्टाइट चाहिए, मैंने आज तक उसका यूज़ तो नहीं किया, बट आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा इच्छा हो रही है कि मैं उसको यूज़ करूँ। मेरे पास 2 ट्राइडेंट है तो मैं ना एक में लगाने की कोशिश करूँगा, और एक्सपी लेवल तो बहुत है। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम है ना पॉकेट एडिशन में मेंडिंग वाले टूल्स को रिपेल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ सकते, और खाली हम है ना पॉकेट एडिशन में शील्ड ही पकड़ सकते और कुछ नहीं पकड़ सकते, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है एक्चुअली हमारा वो जो ट्राइडेंट, एक मिनट में देखता हूँ यहाँ पे। ओके ये रहा, तो ये बहुत पहले मिला था, और एक हमको रेड के वक्त हमने किसी बंदे को मारा था तो एक वहाँ से निकला था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहीं कहीं रखा होगा, और मेरा फार्म भी काफ़ी अच्छा है। ये फार्म ने बहुत हेल्प की एमराल्ड निकालने में, क्योंकि एक एक कैरेट एक एक वीट से सब हमको मिल रहा था। और कहाँ पर है ये रहा देख सकते हो। अभी है ना हमको चाहिए एक और चीज़, क्या बोलते हैं, हाँ मेरे को पहले आपको दिखा देना है कि हमें ना कैसे अपने ये इसको हील कर सकते हैं मेंडिंग वाले चीज़ों को अपने पॉकेट एडिशन में, क्योंकि जावा में तो पता है आपको लेफ्ट हैंड में रखना पड़ता है, बट इसमें कैसे रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ अगर आप एक्सपी लेते हो या एक्सपी निकालते हो तो सिंपली आपको अपने हाथ में रखना है, जैसे कि ये मैंने रखा है, तो इन्हें देख सकते हो मेरा इसमें मेंडिंग लगा है और रिपेयर करना है। तो आपको क्या करना है, इसको अपने हाथ में पकड़ लेना है जैसे कि मैंने हाथ में पकड़ा है, और फिर मुझे एक्सपी निकालना है। एक मिनट पहले एक्सपी फार्म को मैं यहाँ पर बंद करूँ, ये काफ़ी सही एक्सपी फार्म है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आप देख सकते हो मेरा है ना ये क्या बोलते हैं पिकैक्स में कितना कम एक्सपी है, और मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे ही करते रहना, ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। इसमें देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लगता है बट रिपेयर हो जाएगा, देख सकते हो थोड़ा सा एक्सपी मिला अभी हमारे इसको, तो इसमें है ना थोड़ा सा टाइम लगता है बट रिपेयर हो जाता है। कभी कभार है ना बहुत जल्दी अगर ज़्यादा एक्सपी देते हैं तो जल्दी रिपेयर हो जाता है, क्योंकि देख सकते हो मेरे क्या बोलते हैं पिकैक्स है ना, पिकैक्स में रिपेयर हो रहा है, मेरे को एक्स भी रिपेयर करना, देख सकते हो आधा रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो और भी थोड़ा ज़्यादा रिपेयर हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट रिपेयर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी कुछ रिपेयर करने का है मेरा तो। ओके मुझे ना मेंडिंग लगाना है अपने ट्राइडेंट में, क्योंकि ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, मैं 2-3 बार फेंकूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा एक्स को भी रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया रिपेयर किया। जिसमें सील टच लगा होता है ना उससे हम कुछ भी करते हैं तो एक्सपी तो मिलता नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक मिलता है, इसलिए ना उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरे पास 37 एक्सपी आ गया, मैंने देखा भी नहीं। रेप्टाइड 3 चाहिए मेरे को, रेप्टाइड 2 नहीं चाहिए, देख सकते हो एक्स भी काफ़ी ज़्यादा रिपेयर हो चुका है और भी रिपेयर हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है रिपेयर करना। नहीं तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रिपेयर कैसे करते हैं, तो मैंने आज आपको बता दिया कि रिपेयर कैसे कर सकते हो। बस आपको अपने हाथ में पकड़ लेना ये वाले राइट वाले हाथ में, क्योंकि लेफ्ट वाले हाथ में तो पकड़ नहीं सकते, फिर सिंपली आपको एक्सपी निकालना है। ओके 38 भी हो चुका है, तो चलो 40 करके फिर हम अपना ट्राइडेंट का इंचेंटमेंट लेने चलते हैं। तो और भी रिपेयर हो चुका है और थोड़ा सा। Few inches later. तो मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रिपेयर कर लिया और 40 लेवल भी हो चुके हैं, तो काफ़ी सही फार्म है वो। तो 40 लेवल है ना, तो आई होप इतने में मेरे को मिल जाए। अब मेरे को देखना ये है कि मैंने वो रखा किधर है। ओके इसमें भी स्वॉट बॉर्ड है मैंने। ओके मैं पहले आपको दिखाता हूँ मैंने कितना उनसे ट्रेड किया है, कुछ ज़्यादा ही किया। और यहाँ पे 3-3 घोड़े और ये रहे हमारे 2 घोड़े, काफ़ी तेज़ भागते। मैं थोड़ा सा इनकी स्पीड दिखा देता हूँ आपको, नॉर्मल से काफ़ी तेज़ भागते हैं। और इसका जंप देख सकते हो आप कितना ऊंचा करता है, पता नहीं कितने 3 ब्लॉक तो शायद कूद जाता है। अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया बट काफ़ी स्पीड। आप बताना कि आपका हॉर्स कितना तेज़ भागता है, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ शायद। ओके देख सकते हो 3 स्टैक इसमें है हमारे गोल्डन कैरेट, और इसके अंदर देख सकते हो कितने सारे एमराल्ड है और बहुत कुछ है एक्चुअली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। एक मेंडिंग लेकर चलूँ क्या, मेंडिंग तो बाद में भी ले सकते। अरे सॉरी यार किसको मार रहा हूँ मैं भी, ये मेरा मेंडिंग वाला बंदा है, लेकिन मेंडिंग तो मैंने बहुत सारे ले लिया, 15-20 मेंडिंग पता नहीं कितने मेरे को भी याद नहीं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। और ये तो अच्छा है मैंने अपने आयन गोलम को स्पॉन किया इसलिए मेरे को अटैक नहीं करेंगे, और मैंने यहाँ से 2 घर को खाली कर दिया है। तो चलो मैं पहुँच गया, मुझे सिर्फ यहाँ से चाहिए रेप्टाइड 3, तो होप करें कि मेरे को रेप्टाइड 3 मिल जाए। ओके इम्पेलिंग 4 मिल रहा है, तो जिसमें इम्पेलिंग होता है उसमें शायद नहीं आता रेप्टाइड, शायद आता है एक्चुअली, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक करने में क्या जाता है, इसमें आ गया। ओके इसमें खाली इम्पेलिंग 4 आया, कोई बात नहीं इसमें रेप्टाइड आएगा। अनब्रेकिंग आ रहा है ना, तो एक और बार लेके देखते। तो इसमें इम्पेलिंग लॉयल्टी आ गया, चैनलिंग आ गया, इम्पेलिंग 4, ये तो काफ़ी ओपी ट्राइडेंट बन गया, लेकिन इसमें रेप्टाइड अब नहीं आ सकता।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं ना ये वाले ट्राइडेंट को हटाता हूँ। तो ये वाला है ना वो इम्पेलिंग फोर वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये वाला जो ट्राइडेंट है दूसरा वाला काफ़ी ओपी बन चुका है। मुझे इसमें रेप्टाइड 3 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आ जा रेप्टाइड 3, इम्पेलिंग 4 आ रहा है वापस से, तो वापस लेके देखते हैं। तो इसमें लॉयल्टी चैनलिंग फिर से आ गया, बट ये नहीं चाहिए, फिर से मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ओनली रेप्टाइड चाहिए। और ये वाला इसमें पहले इम्पेलिंग 4 आ चुका है, लॉयल्टी 3 आ चुका है, ओपी लेवल की बन चुकी है। इसमें है ना मुझे खाली रेप्टाइड चाहिए, अनब्रेकिंग रेप्टाइड 1 आ रहा है, बट 1 नहीं चाहिए मुझे, है ना 3 चाहिए एक्चुअली। लॉयल्टी आ गया फिर, अरे यार क्या हो रहा है, मुझे है ना इसमें इम्पेलिंग नहीं, सॉरी इम्पेलिंग क्या, मुझे इसमें रेप्टाइड चाहिए। इसको वापस हटाओ यहाँ पे, और रेप्टाइड लेना है मेरे को। तो भाई रेप्टाइड लेने से पहले मैंने ये जो अपना बनाया है ट्राइडेंट उसको मेरे को रिपेयर करना है, क्योंकि ये भाई टूटने वाला है, देख सकते हो कहाँ पे ये रहा। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके अंदर मैं मेंडिंग लगा देता हूँ। 2 कॉस्ट में लग चुके, एकदम ओपी लेवल की बन चुकी है। इसमें और कोई इंचेंटमेंट लग ही नहीं सकता, खाली एक इंपेलिंग फायर लग सकता है, बट 4 मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब बाड़ी है, मैं इसको भी रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। इसको भी मेरे को है ना अपने हाथ में जैसे कि अभी मैंने पकड़ा है वैसे पकड़ लेना है, बाकी तो हो जाएगा। चैनलिंग है ना, तो मैं किसी को भी बिजली गिरा सकता हूँ इसके ऊपर। ओके पहले मेरे को इधर बंद करने दो, 1 और 2। अब जाके एक्सपी लेना, मतलब कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ये आया एक्सपी, और ये अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, बट अब हो जाएगा। थोड़ा ऐसे ही करना होता है, बहुत ही इजीली रिपेयर हो जाता है। चलो रिपेयर करो यार, देख सकते हो कितना ज़्यादा रिपेयर हो चुका है एक ही बार में। मतलब वो होता है कभी कभार, टाइम लगता है कभी, देख सकते हो पूरा रिपेयर हो चुका है। तो ये फ़ायदा होता है आपके मेंडिंग का, तो आपको सिर्फ अपने हाथ में रखना होता है। और कोई कोई है ना रिपेयर नहीं होता, कोई कोई टाइम लेता है, तो वो तो पता नहीं कैसे वर्क करता है, बट इतना तो पता है राइट अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो देख सकते हो हमारी पिकैक्स भी, मैं सोच रहा हूँ पिकैक्स को पूरा रिपेयर कर लूँ। देख सकते हो ये ट्राइडेंट रिपेयर हो चुका है। एक बार मैं ये ट्राइडेंट को यूज़ करता है, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है ना। एक मिनट में ना थोड़े से और एक्सपी लेके चलता हूँ, क्या पता रेप्टाइड लेने में कितना टाइम लगे। 33 कर लेता हूँ एक्चुअली पूरा, तो हो चुका है 33, और अपना पिकैक्स भी अच्छा खासा रिपेयर हो चुका है। तो अभी इसको एक बार यूज़ करते, कहाँ पर यूज़ करूँ, तो उसको यहाँ पर फेंक देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो भाई मैंने फेंक तो दिया, लॉयल्टी 3 आ तो जाना चाहिए, तो आ रहा है। ओके आ गया, देख सकते हैं। तो मैंने सोचा नहीं आएगा, लेकिन आ गया। मुझे रेप्टाइड चाहिए यार, एक बार रेप्टाइड मिल जाए तो मैं बारिश में आराम से उड़ सकता हूँ विदाउट इलाइट्रा। और अगर इलाइट्रा आ गई तो उससे स्पीड भी बढ़ जाती है, रेप्टाइड प्लस इलाइट्रा। हमको है ना वो तो फायर रॉकेट की भी ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए अगर हमारे पास रेप्टाइड है, बट वो सिर्फ बारिश में काम करता है। तो एक बार रेप्टाइड मिल जाए ना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस फाइनली मुझे इसमें रेप्टाइड 2 मिल चुका है, 3 नहीं मिला, बट 2 तो भी बहुत है, 2 की ज़रूरत थी। तो बस रेप्टाइड की ज़रूरत थी, बड़े वो 2 हो या 3। अब मुझे इसके अंदर भी वापस से मेंडिंग लगाना है, तो इसमें मेंडिंग लगा के इसको रिपेयर करूँगा, और उसके बाद से बारिश का वेट करना है। बारिश में मैं आपको यूज़ करके दिखा सकता हूँ। हमारे पास ओके ये रहा ना, हमारे पास 2 इलाइट्रा क्या बोल रहा हूँ मैं भी बार बार 2 हमारे पास ट्राइडेंट, और दोनों काफ़ी एपिक बने। जिसमें पहले से मैं ये रेप्टाइड लगाता हूँ, और मेंडिंग लग चुका है, और इसको हम हाथ से फेंक नहीं सकते। देख सकते हो मैं इसको कितना भी फेंकने का ट्राई करूँ फेंक नहीं सकते। एक बार रेप्टाइड लगने के बाद है ना आप ट्राइडेंट को फेंक ही नहीं सकते, आपको हाथ में ही रखना पड़ेगा। इसीलिए तो आप उड़ सकते हो बारिश के अंदर, बस बारिश का वेट करना है। और सबसे पहले इसको वापस से मैं रिपेयर कर लेता हूँ, तो इसको बंद करो और इसको बंद करो। ये अच्छा है कि मैंने ये एक्सपी फार्म बनाया, काफ़ी ज़्यादा एपिक है। तो आधा रिपेयर हो चुका है, और थोड़ा सा और पूरा रिपेयर हो जाएगा। आजा भाई, तो ये हो चुका है। ओके रिपेयर नहीं हुआ, तो कभी कभार नहीं होता है और कभी कभार हो जाता है। ओके आधा हो चुका है, तो पहले पूरा रिपेयर कर लेते हैं। तो चलो गाइस पूरा रिपेयर हो चुका है, और कुछ रिपेयर करना है, स्वॉर्ड रिपेयर कर लूँ। मेरा स्वॉर्ड तो एकदम ओपी बन चुका है, इसमें शार्पनेस क्या बोलते हैं 5 है भाई, मतलब इससे ज़्यादा ओपी स्वॉर्ड बन ही नहीं सकती ना, और कुछ लग ही नहीं सकता। इसमें सब कुछ लग चुका है, स्माइट तो नहीं लग सकता, और बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड भी नहीं लग सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं शार्पनेस है, तो काफ़ी सही है। और मेरे पास 32 लेवल भी आ चुके हैं। इन लेवल का मैं करूँगा क्या मुझे खुद ही नहीं पता, बट क्या फ़र्क पड़ता है, इतना खतरनाक एक्सपी फार्म हो तो यही होगा ना, और कुछ हो भी नहीं सकता। तो फिलहाल इसको मैं बंद करके रख देता हूँ, ये बंद और ये बंद, तो ये अपना एक्सपी निकलते रहेगा। अब बारी हमको वेट करना है बारिश होने की, तो बहुत दिन से बारिश हुआ नहीं है। और एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ जब तक बारिश नहीं होती, इससे एक अच्छा रहेगा, मेरे को एमरल्ड भी मिलेगा और बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। और भी पता नहीं कब तक ये अपना ट्रेड सस्ता करके रखेंगे। तो मैं इनसे ना इस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, और ओके ये नहीं है, ये वाला बंदा है। ओके ये मुझे फिर से ट्रेड सस्ता कर रहे हैं। ओके ये वाला भी बंदा नहीं है, एक मिनट, वो बंदा गया कहाँ यार जिसने मैं ट्रेड करता था। ओके ये रहा,
तो ये मेरे को है ना ये दे रहा है, और इससे क्या फ़ायदा देख सकते हो, मैंने सिर्फ 16 में है ना 6456 ले लिया है, और अब मैं इससे ट्रेड करूँगा तो 16 एमरल्ड मिले गए थे ना, तो अभी ना 2 स्टैक एमरल्ड मिले ऐसे ही आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक दिमाग लगा रहा हूँ मैं, तो इससे एमरल्ड की तो कमी मेरी दूर हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये भी मेरे को देगा, तो देख सकते हो कितनी आसानी से मिल चुका है, बस थोड़ा बहुत ग्रेवल को इन्वेस्ट करना है। अब बारी है इसकी, ये भी मेरे को देगा शायद से, ओके ये भी देता है। करते हैं एमरल्ड को रखते हैं साइड में, और इधर और फ्लिंट को भी रखते हैं साइड में, और कुछ रख सकते हैं इसको भी रख देते हैं, और ये पोटैटो वटेटो यहाँ क्या कर रहा है, पर ये बेक्ड पोटैटो नहीं उठाते विलेजर, चलो कोई नहीं। अभी ना मैं थोड़ा ये रेप्टाइड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब बारिश होगी, मैं है ना पानी के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके तो ये ट्रेडर आया है क्या यहाँ पे, ओके देखते ये क्या दे रहा है, तो कुछ एपिक चीज़ देना भाई, ये मेरे को दे रहा है ओके ओके, बट कुछ स्पेशल नहीं है, पर जान दो छोड़ दो इसको। अभी ना मैं यहाँ से पानी में चलता हूँ सबसे पहले, तो देख सकते हो मैं पानी में आ चुका हूँ, अब मैं इस ट्राइडेंट को फेंकता हूँ, देख सकते हो क्या स्पीड में आता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं देख सकते हो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे पानी में खड़ा हूँ, और अगर मेरे को जाना हो वहाँ पे, तो देख सकते हो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गया, पूरी नदी पार कर ली मैंने, बस आपको पानी के ऊपर रहना पड़ता है। लाइक सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज़ मेरे को जाना है वहाँ पे, तो देख सकते हो मैं यहाँ पे, अरे यहाँ नीचे गिरूंगा, यहाँ पे कुछ था नहीं खड़े होने के लिए, तो ये फ़ायदा होता है रेप्टाइड का। तो एक और बार मैं ट्राई करता हूँ, सपोज़ मेरे को जाना है अपने वो घर के अंदर, चल के देखते हैं जा सकते हैं, ओके थोड़ा दूर पड़ गया, बट मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, ओके थोड़ा ऊपर ऊपर चल और चल उधर, ओके देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा डैमेज मिलेगा आपको, फेदर फॉलिंग 3 वाले बूट होने चाहिए, नहीं तो फिर आप तो गए काम से। देख सकते हैं इसमें क्या है, फेदर फॉलिंग 4 वाले बूट है, बहुत सही, और प्रोटेक्शन 4 भी है। रेप्टाइड है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एक्चुअली पानी के अंदर, तो भाई ये तो एपिक बना देगी आपको, मतलब इतना स्पीड में आप ट्रैवल कर सकते हो, ऊपर से अगर आपके पास डेप्थ स्ट्राइडर है तो भाई क्या ही बताना भाई। और इसमें है ना आपको एक फ़ायदा है, आप कहीं पे भी ऐसे लाइक टेलीपोर्टेशन की तरह जा सकते हैं, लाइक मैं है ना सपोज़ वहाँ पे जाना चाहता हूँ, चलो भाई ओके सब एक मिनट में थोड़ा पानी में तो आ जाओ, पानी में हुई नहीं मैं, तो खाली आप पानी में रहोगे तभी काम करेगा, और बारिश में तो हर जगह पानी होता है ना, तो आप हर जगह जा सकते हो। तो सपोज़ मैं इसके अंदर आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ से वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, बस इसमें डैमेज मिलेगा यार, वो प्रॉब्लम है। चलो थोड़ा गोल्डन कैरेट खाते, और मेरे पास है ना वो भी एक मिनट, मेरे पास वो क्या नाम है यार उसका, पम्पकिन पाई, आपको तो पता होगा पम्पकिन पाई वन ऑफ द बेस्ट फूड है, मतलब इतना ज़्यादा हंगर बार को वो फुल करता है, और कोई भी फूड नहीं कर पाता एक्चुअली, यहाँ तक कि गोल्डन एप्पल भी नहीं फुल कर पाता उतना हंगर बार को, लेकिन गोल्डन एप्पल उससे बेटर ही है। तो इसमें क्या सेल्टर है, और इसमें मेंडिंग है यार, ये लगाना चाहिए, तो इसमें फ्लेम है तो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी काफ़ी सही है, सैडल वैडल की तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिशिंग का भी और करूँगा, फिशिंग में ख़तरनाक लेवल की बुक मिलती है, और ये हमारा फार्म जो काफ़ी अच्छा है, बट मुझे सबसे एक मिनट में इसको भी यूज़ करता हूँ, कहाँ गया, ये लॉयल्टी है, चैनलिंग है, बारिश में है ना चैनलिंग बिजली गिराने का काम करता है, बट यहाँ पे पता नहीं कब बारिश होगा, कुछ ठिकाना नहीं है, चलो कोई नहीं। और ये मैंने फेंक दिया, और ये आएगा आ गया, बहुत ही कमाल का है लॉयल्टी, बस इसमें ना रेप्टाइड में लॉयल्टी नहीं रख सकता, क्योंकि है ना आप फेंक ही नहीं सकते, तो लॉयल्टी लगेगा कैसे, ये आपके हाथ से जाएगा ही नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा काम का है देख सकते हो। अब मैं अगर ऊपर जाना चाहूँ तो एकदम देख सकते हो कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं, काफ़ी सही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, यहीं पर रहने देते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, रेप्टाइड्स ये था और फाइनली मिल चुका है। चलिए मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Till I get up, time is barely on our side.